हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे देखो ट्रायंगल एक टॉपिक की जो कि क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अकॉर्डिंग जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और इसमें से सेट पैटर्न में काफ़ी सालों से रिपीट हो रही है थ्योरम्स। 3 थ्योरम है। पहली थ्योरम पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसके काफ़ी बार देखो एग्जाम्स में ये आ चुकी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, देन एरिया सिमिलर ट्रायंगल वाली, और लास्ट होगी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रही है, ये कह रही है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल, देखो लाइन कौन सी डी ई, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो डी ई पैरेलल है बी सी के, है ना। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, तो देखो दो साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पॉइंट पर, है ना। देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो, तब वो जो साइड्स हैं वो क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल बी सी के, है ना, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड को डी और ई पर, तो वो क्या करेगी, इन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमने लिख दिया। देखो गिवन में हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी, है ना, एंड ए सी इन क्या हो गया ई, है ना। फिर टू प्रूव में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमको प्रूव करना था। और कंस्ट्रक्शन, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन डालेंगे जिसमें क्या करेंगे, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, साइड ए बी पर, और डी एम किस पे करेंगे ए सी पर, है ना। और नेक्स्ट एक चीज और करनी है हमें, क्या ज्वाइन कर देना किसको, ज्वाइन बी ई, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से, ये दो चीज़ें हमने ज्वाइन कर दी। अब अपन आते हैं प्रूफ पे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो देखो उसी का यूज करेंगे अभी। इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं फॉर्मूला, तो ए डी में क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा ए डी, हाँ, और हाइट क्या हो जाएगी ई एन, हाँ। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल दूसरा लेते हैं, कौन सा डी बी ई लेते हैं, तो इन ट्राइंगल डी बी ई 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा डी बी, और हाइट क्या हो जाएगी ई एन, ठीक है, दोनों का लिख दिया। तो देयरफोर बाय डिवाइडिंग, दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा क्या हो जाएगा डी बी ई इज इक्वल टू 1/2, हाँ, बेस इनटू हाइट, तो इसकी बेस कितनी थी ए डी और हाइट क्या था ई एन, और यहाँ पर भी 1/2, बेस क्या हो जाएगा डी बी और हाइट क्या हो जाएगी ई एन, तो देखो ई एन सी एन कट गया, हाँ ई कट गई, वैल्यू कितनी आ गई अपनी ए डी अपॉन डी बी, कंडीशन इसको दे देते हैं हम फर्स्ट, इतना काम कर लिया। ये सारा काम देखो ए बी पर ही तो कर रहे थे, यहाँ पर ए डी ई निकाल दिया, यहाँ पर फिर डी बी ई निकाल दिया, दोनों का बेस क्या लेके चल रहे हैं ए बी। अब अपन बात करते हैं ए सी साइड में, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी ई इस तरफ से, तो अगर यहाँ पर मैं लूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो वही क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा अगर मैं ए ई लेता हूँ, बेस अगर मैं लेता हूँ ए ई, तो हाइट क्या होगी डी एम हो जाएगी, है ना। और इन ट्राइंगल इस बेस पे अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ रहा है डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी क्या होगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा ई सी, और हाइट क्या हो जाएगी फिर से अपनी डी एम, हाँ। डिवाइड करते हैं इसको, तो देयरफोर डिवाइडिंग, तो क्या हो जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम, ठीक है, अपॉन 1/2 इधर हो जाएगा ई सी इंटू डी एम, फिर से क्या कर दें हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गई ए ई अपॉन ई सी। देखो धीरे धीरे हम अपने प्रूविंग पे बढ़ रहे हैं आगे, ए डी अपॉन डी बी आ गया, हाँ, और ए ई अपॉन ई सी आ गया। अब
तीसरा पॉइंट समझो, दो चीज प्रूव कर दी है हमने। तीसरा पॉइंट नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, भूल गए होंगे, वापस याद कर लेते हैं। तो देखो एक थ्योरम थी क्या, कि इफ टू ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल के बीच में, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसको यूज करते हुए अपन तीसरा पॉइंट लेके आते हैं, लिख लेते हैं इफ टू ट्राइंगल, ले लेते हैं कौन सा, एक तो डी बी ई और दूसरा लेते हैं कौन सा, डी ई सी, लाई ऑन द सेम बेस, सेम बेस कौन सा हो गया अपना, तो देखो सेम बेस हो गया कौन सा, डी ई है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो सेम पैरेलल कौन सा ले लिया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन दे आर इक्वल इन एरिया, ये अपनी थ्योरम है। हाँ तो देखो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी बी ई इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले, डी ई सी, ये दो हमने लिख दिए, ये हो गई कंडीशन थर्ड। अब देखो गौर से देखो इसको, डी बी यहाँ पर ए डी था अपॉन डी बी, यहाँ ए डी अपॉन डी ई सी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना, फिर वही बात आ गई, यहाँ पर ये डी बी ई है, अगर इधर भी डी बी ई हो जाता तो क्या ये ऑलरेडी इक्वल हो जाते एक दूसरे के, हो जाते है ना। तो देखो डी बी और डी ई सी हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव कर ही दिए एरिया में, तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो हम चाहते हैं टू प्रूव वो हो जाएगा। तो देखो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा अपना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, और उसके बाद होगा पाइथागोरस थ्योरम। तीनों को पक्का कर लो, 100% चार मार्क्स के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार फैला दीजिए इसको आपकी तरह। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अर्पित शर्मा एंड यू आर सॉल्वर।